बनिए सोशल मीडिया मिलेनियर बाय दीपक बजाज। अपना ब्रांड बनाने और ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बढ़ाने के सुझाव और तकनीकें। आपको यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? हमारे पास यह विकल्प नहीं है कि क्या हम सोशल मीडिया पर काम करें, प्रश्न तो यह है कि हम इसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। ये शब्द एरिक क्वालमैन द्वारा कहे गए हैं। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं जो आपसी संपर्क तथा जुड़ाव की वजह से जीवित रहते हैं तथा फलते फूलते हैं। हम दूसरों के साथ जुड़ने के इस सहज बोध के साथ पैदा होते हैं। दूसरों के साथ यह जुड़ाव हमें खुश और सुरक्षित महसूस कराता है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ने संसार को सोशल मीडिया पर एक साथ लाने के लिए इसी बुनियादी सहज बोध का इस्तेमाल किया है, जो एक छोटी पहल के रूप में शुरू हुआ था। अब उसने संसार की लगभग आधी जनसंख्या को आपस में जोड़ दिया है। 29 जून 2021 को स्टेटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार 2021 तक सोशल मीडिया पर संसार के 8 अरब लोगों में से 3.78 अरब लोग आपस में जुड़ जाएंगे। आगे दिया गया चार्ट दिखाता है कि केवल फेसबुक के 2.7 अरब सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिसके बाद यूट्यूब आता है जिसके 2.29 अरब सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। 28 जून 2021 को स्टेटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित एक अन्य लेख के अनुसार भारत में फेसबुक के 33 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जिसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील आते हैं, जिनके क्रमशः 19, 14 और 13 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। यदि फेसबुक इंडिया एक देश होता तो यह संसार में सर्वोच्च जनसंख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर होता। केवल टीनेजर्स ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, यह तो सारे आयु समूहों में लोकप्रिय है। जहां अमेरिका में 18 से 29 वर्ष की उम्र के 90% लोग सक्रियता से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं 65 की उम्र से ज़्यादा के 40% लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये संख्याएँ हर पल बढ़ रही है। इसी प्रवृत्ति की अपेक्षा अन्य सभी देशों में भी की जा सकती है। स्मार्टफोन बाजार की भारी लोकप्रियता की वजह से सोशल मीडिया के विकास की ओर बल मिला है। statista.com पर 31 मार्च 2021 को प्रकाशित एस ओडिया के लेख के अनुसार 2020 में दुनिया के 3.6 अरब लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अनुमान है कि यह संख्या 2023 तक बढ़कर 4.3 अरब हो जाएगी। स्मार्टफोन के उपयोगकर्ताओं की संख्या के संदर्भ में चीन अव्वल है, जिसके बाद भारत, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील आते हैं। हालांकि स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों में भारत संसार में दूसरे स्थान पर है, लेकिन यह गौर करना दिलचस्प है कि स्मार्टफोन की पैठ के संदर्भ में भारत का स्थान 19वां है। भारत की सिर्फ 31.8% जनसंख्या ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है, जबकि अमेरिका में 81.6%, चीन में 63% और इंडोनेशिया में 58.6% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी रिपोर्ट में भारत का स्थान 2018 में 40वां था, 2017 में 45वां था और 2013 में 47वां था। इस प्रवृत्ति को देखते हुए यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत में स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है, और इस वृद्धि की वजह से सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूरा संसार अब ऑनलाइन हो गया है, और कहा जाता है कि जो व्यवसाय ऑनलाइन नहीं है वे जल्द ही ठप हो जाएंगे। अन्य व्यवसायों की तरह ही यह डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी सच है। सोशल मीडिया यहाँ रहेगा, यह जाने वाला नहीं है, यह कोई अल्पकालीन फैशन नहीं है। वहीं जाएं जहाँ आपके ग्राहक पहुँच जाएं सोशल मीडिया पर। आपका सोशल मीडिया अकाउंट अब आपका नया पता है। लोग आपके साथ बिजनेस शुरू करने का निर्णय लेने से पहले आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स आपकी पहली छाप छोड़ते हैं, और लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट देखकर ही आपके बारे में बहुत सी बातों का मूल्यांकन
कर लेते हैं। लेकिन यह देखना रोचक है कि सोशल मीडिया वह सबसे अविश्वसनीय चीज़ है जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ हुई है। दुर्भाग्य से यह डायरेक्ट सेलिंग के साथ होने वाली सबसे विनाशकारी चीज़ भी है। सोशल मीडिया ने स्मार्ट डायरेक्ट सेलर्स के स्तर को ऊपर उठाया, क्योंकि इसने उन्हें पूरे संसार के असीमित अच्छे प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ने तथा प्रोस्पेक्टिंग करने में सक्षम बनाया। जबकि ज़्यादातर नौसिखियों को इसने जनता को स्पैम करने के स्तर तक गिरा दिया और इस तरह उद्योग की छवि खराब कर दी। दरअसल लोगों को सोशल मीडिया के रूप में एक नया खिलौना मिल गया है और वे सभी तरह के पागलपन भरे प्रयोग करके इसके साथ खेलने लगे हैं। सरल भाषा में कहें तो इस पुस्तक में मेरा लक्ष्य इस तरीकों को बदलना है। मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में मिले हुए लोग उसका सही इस्तेमाल करें, जो संसार के इतिहास में मिलने वाला सबसे शक्तिशाली रिक्रूटिंग ब्रांड बनाने वाला और बिजनेस कई गुना करने वाला टूल है। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको सोशल मीडिया की क्षमता का दोहन करने में निपुण बनाना है। इसका उद्देश्य एक बड़ा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑनलाइन बनाने के लिए आवश्यक योग्यताएं और टूल्स प्रदान करके सशक्त बनाना है। यह पुस्तक आपको न सिर्फ सोशल मीडिया का प्रबंधन सिखाएगी, बल्कि आपको सोशल मीडिया संबंधी ऐसा प्रशिक्षण भी देगी जिससे आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाएगी और साथ ही डायरेक्ट सेलिंग का पेशा भी ऊपर उठेगा। मुझे डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से प्रेम है, मैं इसका सम्मान करता हूँ और मेरे जीवन के दो मिशन हैं, डायरेक्ट सेलिंग के पेशे के गर्व और महिमा को बहाल करना। दूसरा, ज़्यादा बड़ी और तीव्र सफलता पाने के लिए डायरेक्ट सेलर्स को प्रेरित तथा प्रशिक्षित करना। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक ऊपर बताए गए इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करेंगी। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको ज़्यादा तेजी से सफल बनाना और डायरेक्ट सेलिंग के पेशे को ऊपर उठाना है। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर डायरेक्ट सेलर्स सोशल मीडिया को इस तरह देखते हैं मानो यह डार्ट बोर्ड हो। आप इस उम्मीद में इस पर डार्ट फेंकते चले जाते हैं कि कोई ना कोई तो निशाने पर लग ही जाएगा और आपको सफलता मिल ही जाएगी। लोगों ने वर्षों का समय सोशल मीडिया पर इस उम्मीद में बर्बाद किया है कि कोई प्रतिक्रिया करेगा या उनके प्रोडक्ट्स खरीद लेगा। ज़्यादातर डॉट कभी निशाने पर नहीं लगते हैं और लोग कुंठित होकर यह काम छोड़ देते हैं। कृपया यह याद रखें कि उम्मीद कोई रणनीति नहीं है, आपको आशा नहीं बल्कि लक्ष्यों के साथ काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, अपना ब्रांड बना रहे हैं, लेकिन यह उनका मुगालता या भ्रम होता है। 99% डायरेक्ट सेलर्स को तो यह भी नहीं मालूम कि क्या पोस्ट करना है और कैसे करना है। वास्तव में ज़्यादातर पोस्ट करने वाले लोग अपनी और डायरेक्ट सेलिंग उद्योग दोनों की प्रतिष्ठा या छवि खराब कर देते हैं। बाकी दूसरे लोग लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स की संख्या देख देख कर खुश होते रहते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सोशल मीडिया पर आपका ब्रांड बनाने की आजमाई हुई रणनीतियाँ और मैं इस पुस्तक में आपको वही सिखाने जा रहा हूँ। याद रखें, सोशल मीडिया पर काम करने के उतने ही तरीके हैं जितने वहाँ लोग हैं। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल मार्केटर सोशल मीडिया अकाउंट्स को बढ़ाने के लिए विज्ञापनों और दूसरी जटिल रणनीतियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तथा सिखा रहे हैं। हो सकता है कि ये रणनीतियाँ अच्छी हों, लेकिन उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। मेरे पास भी इसे जटिल बनाने का यह विकल्प था, लेकिन मैंने आपको वही अवधारणाएँ सिखाने का निर्णय लिया जिन्हें करना आसान है और साथ ही जिनका आसानी से अनुकरण किया जा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस भी चीज़ को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता वह चाहे जितनी अच्छी हो डायरेक्ट सेलिंग में कारगर नहीं होती। मैं भी फैंसी चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ, जैसे फनल बनाना, फेसबुक विज्ञापन देना, वेबिनार, SEO, गूगल एड्स, मुफ्त डाउनलोड, ऑटोमेशन, आपका खुद का URL, आपकी खुद की वेबसाइट, ईमेल ऑटोमेशन, प्रचार अभियान, मुफ्त प्रोडक्ट विज्ञापन आदि। लेकिन सच कहूँ तो गति, स्थायित्व और बुनियाद के साथ हमेशा बढ़ने वाला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाने के लिए इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं। इस पुस्तक में मैंने जो सरल विचार दिए हैं उन पर अमल करके आप हर महीने लाखों रुपए की पैसिव इनकम कमा सकते हैं। इस पुस्तक में आप जो विचार सीखेंगे उन पर अमल करने के लिए आपको स्टाफ या एजेंसी नियुक्त करने या लाखों रुपये का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। 99% डायरेक्ट सेलर्स जिस नंबर 1 समस्या की शिकायत करते हैं वह
यह है कि उनकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है। कृपया याद रखें 2021 में भारत में फेसबुक के 33 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। समस्या यह नहीं है कि आपकी सूची खत्म हो गई है, असल समस्या तो यह है कि आप अब तक इस विशाल अधोहित बाजार का दोहन करने का सिस्टम नहीं खोज पाए हैं। चाहे यह लिस्ट का विस्तार हो, प्रोस्पेक्टिंग हो, सेल्स क्लोज करना हो, अपनी टीम को कायम रखना हो, अपनी लीडरशिप को स्थापित करना हो या अपने ब्रांड को बनाना हो, सही ढंग से इस्तेमाल किए जाने पर सोशल मीडिया इन सभी को नहीं तो ज़्यादातर समस्याओं को सुलझा सकता है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के सही सिद्धांतों और तकनीकों में माहिर हो जाएं तो आप व्यवसाय में अजय बन सकते हैं, और इस पुस्तक का लक्ष्य आपको यही सिखाना है। आप अपने हाथों में जो पुस्तक थामे हैं वह विचारों और रणनीतियों से भरी हुई है जिन पर मैं खुद अमल कर चुका हूं तथा मुझे उनसे अविश्वसनीय परिणाम मिल चुके हैं। पूरे संसार के हमारे हजारों कोर्स प्रतिभागियों ने इन रणनीतियों का इस्तेमाल किया है और उन्हें अद्भुत परिणाम मिले हैं। यहाँ कोई जटिल सिद्धांत या शब्दावली नहीं है, सिर्फ समाधान है जिन्हें समझना और उन पर अमल करना आसान है। पिछले 14 वर्षों में 11 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे प्रशिक्षण परामर्श अनुभव के दौरान मैंने सफलता के मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कायाकल्प की प्रक्रिया में महारत हासिल कर ली है, जो त्वरित परिणाम देती है वह स्थायी कायाकल्प करती है। इस पुस्तक में आपको मेरे समूचे अनुभव और ज्ञान का सार मिलेगा जिससे आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलेंगे। इसे पुस्तक न समझे, यह तो आपकी ज़बरदस्त सफलता का मैनुअल है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग को नज़रअंदाज करना वैसा ही है जैसे कोई व्यवसाय शुरू करना, लेकिन इसके बारे में किसी को भी न बताना। ये शब्द किसी अज्ञात द्वारा कहे गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में खेल के नियम बदल गए हैं। कोविड-19 ने परिवर्तन की इस प्रक्रिया की गति को और तेज किया है। अब आपके पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो बदलें या फिर नष्ट हो जाएं। आप इन परिवर्तनों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप यह सीख सकते हैं कि इन नए नियमों के साथ काम कैसे करें और वह सफलता कैसे पाएं जो आपको अब तक कभी नहीं मिली है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाने के लिए संसार के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ समय है। मैं नहीं जानता कि आप किस अवस्था में हैं, आपका सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं, आपको कितने व्यूज या लाइक्स मिलते हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको सोशल मीडिया से कितना बिजनेस मिल रहा है, आपके व्यवसाय की वर्तमान स्थिति क्या है या आपके लक्ष्य क्या हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पक्के तौर पर जानता हूँ, आप अपने हाथों में जो थामे हैं वह सोशल मीडिया में माहिर बनने का संपूर्ण मैनुअल है। अगर आप इस पुस्तक में सीखी चीज़ों पर अमल करते हैं तो आपको इतना कुछ हासिल होगा जितने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जुड़े रहें और अपनी सफलता की कहानियाँ तथा अनुभव बताते रहें, मेरे सारे प्रेम, शक्ति और शुभकामनाओं के साथ, दीपक बजाज। अध्याय एक, सोशल मीडिया आपके व्यवसाय के 9 क्षेत्रों में आपकी मदद कर सकता है। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया की बदौलत शक्ति दोबारा लोगों के पास आ गई है। ये शब्द मार्क मैकिनोन द्वारा कहे गए हैं। 1940 के दशक में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की शुरुआत हुई थी और तभी से डायरेक्ट सेलर्स 4 मुख्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर लोग इस व्यवसाय को इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे इनमें से एक या अधिक चुनौतियों को नहीं सुलझा पाते हैं। ये 4 मुख्य चुनौतियाँ ये हैं। पहली, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो जाती है। दूसरा, लोग आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपके साथ व्यवसाय करने के लिए आपकी टीम में शामिल नहीं होते हैं। तीसरा, जो लोग आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं वे सक्रियता से काम नहीं करते। नंबर 4, आपकी टीम के साथी व्यवसाय को जरूरत से जल्दी ही छोड़कर चले जाते हैं। जो लोग इन चुनौतियों का समाधान खोजने में सफल हुए वे इस व्यवसाय में बचने और फलने फूलने में कामयाब हुए, लेकिन बहुसंख्यक लोग अब भी इन चुनौतियों को पार नहीं कर पा रहे हैं और जूझ रहे हैं। 2018 में मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। इस पुस्तक को हर डायरेक्ट सेलर के लिए अनिवार्य मार्गदर्शिका माना जाता है, चाहे वह किसी भी कंपनी, प्रोडक्ट या इनकम प्लान के साथ काम करता हो। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है और यह आज भी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की सबसे
लोकप्रिय और अनुशासित पुस्तक है। इस पुस्तक से मैंने सोशल मीडिया के बारे में कई पन्ने लिखे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 3 साल के भीतर ही मैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एक पूरी पुस्तक लिखूंगा। मैंने यह पुस्तक लिखने का निर्णय लिया, इसका मुख्य कारण यह है कि समय के साथ सोशल मीडिया ने दिखा दिया कि यह डायरेक्ट सेलर्स की इन सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझा सकता है। सोशल मीडिया में इतनी अद्भुत विशेषताएं हैं कि इसके इस्तेमाल से हर व्यक्ति को बड़ा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाने में मदद मिल सकती है। मैं एक और तथ्य से बहुत रोमांचित हूँ और वह यह है कि मैं सोशल मीडिया का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करता जाता हूँ, मुझे और ज़्यादा तरीके मिलते जाते हैं जिनसे यह लक्ष्य हासिल करने और हमारे प्रभाव को कई गुना बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। सोशल मीडिया ने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह शक्ति दी है कि मैं पूरे संसार के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकूं और अपनी पुस्तकों, वीडियोस, ईबुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग तथा लाइव ट्रेनिंग इवेंट से असंख्य लोगों के जीवन का कायाकल्प कर सकूं। यह पुस्तक लिखे जाने तक मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में 50 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल होते हैं और मेरी सोशल मीडिया सामग्री 100 से ज़्यादा देशों में देखी जाती है। सोशल मीडिया के बिना मुझे यह सब कैसे हासिल हो सकता था? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में हमारे आसपास का संसार पूरी तरह बदल गया है। लोगों की आदतों और जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले लोग क्लासरूम में सीखते थे, अब ऑनलाइन सीखते हैं। मनोरंजन पहले टीवी के माध्यम से होता था, अब नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के माध्यम से होता है। न्यूज़ चैनल्स की जगह गूगल और ट्विटर ने ले ली है। खेल भी मैदान से मोबाइल फ़ोन पर आ गए हैं। वास्तव में मोबाइल गेमिंग संसार के सबसे तेज विकास करने वाले और सबसे बड़े उद्योग में से एक बन चुका है। इस परिदृश्य में जो डायरेक्ट सेलर्स बदलती प्रतिक्रियाओं के हिसाब से खुद को और अपने काम करने की शैली को नहीं बदलते हैं, उनका बचना मुश्किल होगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों के साथ किया जाता है। पहले डायरेक्ट सेलर्स अपने प्रोस्पेक्ट से रेलवे स्टेशनों, विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों, हवाई अड्डों आदि जगहों पर संपर्क करते थे, लेकिन अब आप जहां भी देखें लोग अपने मोबाइल फ़ोन से चिपके नज़र आते हैं और वे अपने मोबाइल फ़ोन में क्या देख रहे हैं? सोशल मीडिया। इसलिए मुख्यतः डायरेक्ट सेलर्स को वहां जाना चाहिए जहां लोग रहते हैं, और अगर लोग सोशल मीडिया में चले गए हैं तो यह डायरेक्ट सेलर्स के लिए अनिवार्य है कि वे भी अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर ले जाएं। अब समय आ गया है कि डायरेक्ट सेलर्स को सोशल मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन साधनों व प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके अपनी सूची के विस्तार, प्रोस्पेक्टिंग, ब्रांड बनाने, सेल्स क्लोज करने, टीम के प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि की नई रणनीतियों तथा साधनों पर काम करना चाहिए। सफलता की कुंजी यह है कि आप तैयार होने से पहले ही शुरू कर दें। ये शब्द मैरी फोरलियो द्वारा कहे गए हैं। संसार की आधी जनसंख्या पहले से ही सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया ने तमाम सीमाएं हटा दी हैं और पूरे संसार को लगभग मुफ्त में हर किसी की मुट्ठी में ला दिया है। यह नया संसार हमेशा बदलता रहता है और यह पुस्तक इसी नए संसार में आपको जीतने के लिए तैयार करेगी। आप इस पुस्तक में जो भी सीखेंगे वह हर चीज़ आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल में माहिर बना देगी, जिससे आप अपने सपनों को ज़्यादा जल्दी साकार कर सकेंगे। सोशल मीडिया आपको जो लाभ दे सकता है उनमें से कुछ ये है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आप अच्छी गुणवत्ता के प्रोस्पेक्ट को आकर्षित कर सकते हैं। जब आप अपने सोशल मीडिया ब्रांड का विकास करते हैं तो आप बहुत से अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे और आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ती रहेगी। न सिर्फ आपको असंख्य प्रोस्पेक्ट मिलेंगे बल्कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रोस्पेक्ट भी चुन सकेंगे। किसके साथ व्यवसाय करना आपको सबसे ज़्यादा सही लगेगा, फिर आप लोगों से संपर्क करें, इसके बजाय सही प्रोस्पेक्ट आपसे संपर्क करने लगेंगे। जब आपकी सामग्री अनजान लोगों तक पहुँचेगी तो आप श्रेष्ठ प्रोस्पेक्ट की अंतहीन पाइपलाइन बनाने में सक्षम होंगे। नंबर 2, आपकी बिक्री का अनुपात कई गुना बढ़ जाएगा। ज़्यादातर लोग आपसे जुड़ने का निर्णय लेने से पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हैं। अच्छे सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से आपके प्रोस्पेक्ट आप पर ज़्यादा आसानी से विश्वास कर लेंगे और इस तरह आपका बिक्री अनुपात यानी सेल्स कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा। बिक्री अनुपात बढ़ने का मतलब यह है कि आपको उतने प्रयास से ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। नंबर 3, लोग आपकी टीम में रुके रहेंगे। हर व्यक्ति विकासशील लीडर के साथ रहना चाहता है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपकी उपलब्धियों तथा नेतृत्व को प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मंच है।
जब आपकी टीम के साथी यह जान जाते हैं कि वे एक अच्छे लीडर के साथ हैं, तो फिर वे छोड़कर क्यों जाएंगे। नंबर 4, आपकी टीम का प्रदर्शन बेहतर होगा। शंका और दुविधा उत्पादकता तथा प्रदर्शन का गला घोट देते हैं। लोग हमेशा अच्छे लीडर के आसपास सुरक्षा का एहसास करते हैं। जब आपकी टीम के साथियों को यह विश्वास होगा कि एक अच्छा लीडर उनका नेतृत्व कर रहा है, तो वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपके सोशल मीडिया अकाउंट की हर पोस्ट आपकी टीम को आश्वस्त करती है कि उनके पीछे एक सक्रिय, शक्तिशाली और विकासशील लीडर है। इस विश्वास से उनका प्रदर्शन कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 5, व्यक्तिगत स्पॉन्सरिंग ज़्यादा आसान हो जाती है। व्यक्तिगत स्पॉन्सरिंग दरअसल डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की बुनियाद है। मेरी पुस्तक BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर का यह उदाहरण व्यक्तिगत स्पॉन्सरिंग की शक्ति को सारांश में बताता है। हर व्यक्ति अपना डायरेक्ट सेलिंग करियर व्यक्तिगत स्पॉन्सरिंग से शुरू करता है। जो लोग इस उद्योग में शीर्ष 1% तक पहुँच जाते हैं, वे शुरू करने के बाद वर्षों तक स्पॉन्सरिंग करते रहते हैं। सोशल मीडिया आपके ब्रांड को इस तरह से बनाता है कि आप सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता के प्रोस्पेक्ट को आकर्षित करते हैं। आपकी सेल्स क्लोजिंग बेहतर होती है और आपकी उपलब्धियां लगातार अनजान लोगों के समूह तक पहुंचती है। इन सबसे आपको निरंतर व्यक्तिगत स्पॉन्सरिंग की शक्ति मिल जाती है। आप जिस भी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, हर उस व्यक्ति के साथ आप अपनी चौड़ाई तथा गहराई को बढ़ाते हैं और इस तरह अपनी आमदनी भी कई गुना बढ़ा लेते हैं। नंबर 6, सतत सूची विस्तार। सोशल मीडिया पूरे संसार को आपकी चौखट तक ले आया है। लोग अब आपसे सिर्फ एक पोस्ट या एक वीडियो दूर हैं। आप कभी नहीं जानते कि आपकी पोस्ट या वीडियो कहां पहुंचेंगे। मित्रों के मित्र, अनुशंसित पोस्ट, सुझाव, शेयर और प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम आपकी पोस्ट को सिर्फ कुछ सेकंडों में ही असंख्य अनजान लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब सोशल मीडिया पर आपके प्रभाव का वृत्त कई गुना बढ़ता है, तो आपकी सूची भी कई गुना बढ़ जाएगी। मेरी पहली पुस्तक BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर 2018 में प्रकाशित हुई और तब से आज तक बहुत लोकप्रिय है। यह संसार में अपनी तरह की पहली पुस्तक है जिसमें वह पूरी जानकारी, साधन, ज्ञान तथा रणनीतियां दी गई हैं जिनसे लोग एक बड़ा डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बना सकते हैं। इस पुस्तक ने लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक योगदान दिया और पाठकों को बहुत शानदार परिणाम मिले। लेकिन इसके बावजूद शुरुआत में मेरी पुस्तक के पाठकों की संख्या सीमित थी और इसे केवल मेरे परिचितों तथा उनके मित्रों ने पढ़ा। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और अपने कुछ यूट्यूब वीडियोस में इस पुस्तक के बारे में बताया। जब लोगों ने मेरे वीडियो शेयर किए, तो इस पुस्तक के पाठकों की संख्या आसमान छूने लगी। इसलिए यह बात ध्यान रखें कि आप चाहे जितने अच्छे हों, आपको तब तक मनचाही सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आपका संदेश जनता तक नहीं पहुंचता है। और सोशल मीडिया आपके संदेश को बिजली की गति से जनता तक पहुँचा सकता है, जिसे आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। वह सर्वश्रेष्ठ को बाहर कर देगा। नंबर 7, आपके मित्रों अनुयायियों से सतत संवाद। आपकी हर पोस्ट लोगों को आपकी और आपके काम की याद दिलाएगी। आप असंख्य नए मित्र बना सकते हैं। बचपन से अब तक आप जिसे भी जानते थे, वह हर व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए आपसे जुड़ा रह सकता है और आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक लोगों के साथ सतत संवाद कायम रखना है और सोशल मीडिया एक साथ असीमित लोगों के संपर्क में रहने का बेहतरीन तरीका है। एक तरह से यह माने कि हर पोस्ट आपकी तरफ से प्रोस्पेक्टिंग कर रही है। नंबर 8, शोहरत। सोशल मीडिया ने कई यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को बॉलीवुड तथा हॉलीवुड की हस्तियों की बराबरी में खड़ा कर दिया है। जिन लोगों को कुछ साल पहले तक संसार जानता भी नहीं था, आज उनके करोड़ों फॉलोअर हैं और यह सिर्फ उनके सोशल मीडिया अकाउंट के कारण संभव हुआ है। वे ब्रांड्स के विज्ञापन दे रहे हैं और भारी कमाई कर रहे हैं। मैं आपसे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप अपने व्यवसाय तथा सोशल मीडिया अकाउंट का विकास करते हैं, तो आपकी उपलब्धियां ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, फिर बहुत से लोग आपके फॉलोअर बनना चाहेंगे। जब आप व्यावसायिक सम्मेलनों में जाते हैं, तो सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करने वाले लोग आपको खोजते हुए वहां आएंगे और आपके साथ सेल्फी लेंगे तथा ऑटोग्राफ भी लेंगे। अगर आप सही तरीके से करें, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट आपको सितारा बना सकते हैं। नंबर 9, आपके व्याख्यान और प्रशिक्षण के प्रभाव को कई गुना बढ़ाता है। सोशल मीडिया आपके नेतृत्व और प्रभाव को कई गुना बढ़ाता है। अगर तरीका सही हो, तो हर पोस्ट और वीडियो से आपकी छवि तथा प्रतिष्ठा बढ़ती है। इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है और आपके शब्दों में ज़्यादा वजन आता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उपलब्धि के बिना सिर्फ पोस्ट करने से आप लीडर बन जाएंगे और आपके बहुत से फॉलोअर बन जाएंगे। मैं
यह मानकर चल रहा हूँ कि इस दौरान आप व्यवसाय के सभी सिद्धांतों पर अमल करेंगे और एक बड़ा व्यवसाय बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार अच्छे काम का भी कोई फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि यह सही लोगों तक नहीं पहुंचता। सोशल मीडिया आपकी उपलब्धियां आपकी टीम तक पहुंचा सकता है और जब वे देखते हैं कि आप विकास कर रहे हैं तो वे आपका ज़्यादा सम्मान करते हैं और आपकी कार्य योजनाओं का अनुसरण करने लगते हैं। dataReportal.com के अनुसार हर सेकंड में औसतन 16 नए लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। सामान्य सदस्य हर महीने 6 या अधिक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाता है। हर दिन इन पर लगभग 2.5 घंटे खर्च करता है। लोग हर दिन 7 से 8 घंटे सोते हैं। यह मानते हुए अगर हम इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि लोग अपना औसतन 15% समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। सोशल मीडिया धीरे धीरे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। यह इसका अभिन्न और स्थायी हिस्सा है जिसकी पैठ समय के साथ ज़्यादा गहरी होती जा रही है। यह ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। इसकी मदद से लोग कार्यकुशल संवाद करने और बिक्री परिणाम पाने के ज़्यादा सृजनात्मक तरीके खोजेंगे। यह निश्चित रूप से भविष्य में सफलता दिलाने वाला एक मुख्य घटक होगा। मैंने 9 मुख्य क्षेत्र बताए हैं जहां सोशल मीडिया अभी से डायरेक्ट सेलर्स की मदद करने लगा है, लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में जब प्रौद्योगिकी में ज़्यादा तरक्की हो जाएगी तो ये लाभ बढ़कर कई गुना हो जाएंगे। सोशल मीडिया एक साधन है और यह पूरी तरह से आपकी सृजनात्मकता पर निर्भर करता है कि आप इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे और कितना लाभ लेंगे। सोशल मीडिया के बारे में सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसने बेआवाज लोगों को आवाज़ दी है। याद रखें और बताएं, सोशल मीडिया आपके लिए इतना कुछ कर सकता है कि उसका कोई और छोर नहीं है। एकमात्र सीमा आपकी कल्पना है। डायरेक्ट सेलिंग का संबंध लोगों से है, इसलिए डायरेक्ट सेलर्स को वहां जाना चाहिए जहां लोग जा रहे हों। लोग अब सोशल मीडिया पर पहुंच चुके हैं, इसलिए समझदारी इसी में है कि डायरेक्ट सेलर्स भी तुरंत वहां पहुंच जाएं। सफलता का नया विजेता फॉर्मूला: नेटवर्क मार्केटिंग लाभ और सिद्धांत प्लस सोशल मीडिया प्लस ऑनलाइन टूल्स। यदि आपको प्रोस्पेक्ट की अंतहीन पाइपलाइन चाहिए तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाने पर काम करना होगा जो आपके सोते वक्त भी आपकी सूची में नाम जोड़ता रहे। आपकी बिक्री का अनुपात आपकी ब्रांड वैल्यू के सीधे अनुपात में बढ़ता है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने से आप न सिर्फ सही लोगों को आकर्षित कर पाएंगे बल्कि आपकी टीम के साथी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आपके करने के लिए जरूरी काम। इस अध्याय के 3 सर्वश्रेष्ठ सबक: अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें, अपने काम के उन क्षेत्रों की सूची बनाएं जहां सोशल मीडिया आपकी मदद कर सकता है।